आज मैं लखनऊ राजधानी चारबाग में मैं खड़ा हूँ। आज करीब करीब पांचवें चरण का चुनाव, करीब करीब एक घंटा बचा हुआ है। पब्लिक की राय लेते हैं कि पब्लिक की क्या राय है। चाचा आपका नाम? ऐसा मेरा नाम परमपाल सिंह है। आपने वोट डाला? हाँ वोट डाला। आपका क्या? मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप विकास विकास की बात करते, क्या कांग्रेस ने विकास नहीं कराए? जवाहर भवन नहीं बनाई, इंदिरा भवन नहीं बनाई, और संजय अस्पताल नहीं बनाया है, इंदिरा अस्पताल नहीं बनाया, क्या नहीं बनाया? उसने 27 सकर मिलें लगाई थी, ट्रैक्टर कारखाने लगाए थे, इंडिया स्कूटर लगाई थी। एक फैक्ट्री के अंदर सकर मिल में कितना आदमी काम करता? आपने क्या दिया? देश के नौजवानों का भविष्य अंधकार में है, कभी सोचा आपने? क्या भगत सिंह जी ने ये कहा था, हम ना देखेंगे आज़ादी, आने वाली नस्लें देखेंगी आज़ादी, हम आज़ादी का रंग लगा कर चले। आज जिन बेटियों के साथ रेपिंग हुई है उस पर आपने क्या एक्शन लिया? आप ये जनता की ये आवाज़ है भाई साहब का। आपका क्या नाम है, शुभ नाम? चंद्रशेखर अग्रवाल, वरिष्ठ उपाध्याय, लखनऊ व्यापार मंडल। आपने वोट डाला? डाला। आप क्या बदलाव चाहते हैं सरकार से, क्या आपकी बातें हैं, कुछ आप हमको खुल के बताइए। बदलाव ये चाहते हैं कि हमारे जो व्यापारी वर्ग है, जो छोटा दुकानदार है, जिसकी 2 किलो वाट का मीटर लगा है, उसको कमर्शियल की जगह डोमेस्टिक कर दिया जाए। 15 रुपये पर यूनिट कमर्शियल लगता है। दो छोटा व्यापारी जो 2 किलो वाट का मीटर लगा रखा है, उसकी इतनी हैसियत नहीं है उसमें भरपाई कर पाए बिजली की बिल की। और बिजली वाले इतनी उगाही करते हैं काटने के लिए, घर के दुकानें दुकानदार चली, व्यापार चल ही नहीं रहा बिल्कुल, पैसा है ही नहीं। पैसा केवल 4 लोगों के पास पहुँच गया, पूरे देश का आदमी भिखारी हो गया है। खाने को पैसे नहीं, हमारे पास पैसे नहीं है इसे मैं रोटी खाने के लिए, बताओ कि उसका क्या हम कहें। व्यापारी नेता ये है, पब्लिक का आक्रोश हाँ। जो सरकार द्वारा दी जानी है। बाकी आओ हमारे साथ में लोग खड़े हैं भाई साहब। भाई साहब आपका नाम? अभिषेक गौतम। आपने चुनाव डाला? हाँ मैंने वोट किया। वोट किया। आप क्या बदलाव चाहते हैं, क्या सरकार से कुछ कहना चाहते हैं आप? आप अपनी बातें बताइए। हमारा बदलाव ये है कि युवाओं को रोजगार मिले, जो लोग भुखमरी से मर रहे हैं, 5 किलो राशन में काम चलने वाला नहीं, और लोगों को जुमलेबाजी, देश को अर्थव्यवस्था खराब कर रहे हैं, भीख मंगवाएंगे, सारा रुपया लूट के जा रहे हैं। और पब्लिक समझ चुकी है, अब ज़्यादा दिन ये सब चल ड्रामा नहीं चल पाएगा, और इसका रिजल्ट 4 जून को आपको पता चलेगा। जो भीख मिल रही है, ये पब्लिक की कुछ बातें हैं। भाई साहब आपका नाम? अरुण तिवारी। आप वोट डाले? आपका क्या कुछ बात है सरकार से कहना चाहते हैं? ये है कि भैया ये बेरोजगारी बंद करिए और लोगों को रोजगार दीजिए, 5 किलो राशन भीख में ना दीजिए। ये जो महीने के पहली तारीख को कह दो कि फ्री दे रहे हैं, ये फ्री की नहीं, ये कांग्रेस गवर्नमेंट ने ही चालू किया। 2 रुपये मिलता था, 2 रुपये में चावल, 3 रुपये में गेहूँ, आदमी हर आदमी लेता था। या आप ये चीज़ के लिए भिखमंगा बना दिया है, नकारा बना दिया कि आदमी लेके जाता है खड़ा हुआ है लिए पहली तारीख को, उसके बाद में कहीं लाइन लगा हुआ है, 24 तारीख तक बटेगा, 24 तारीख तक उठा मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, कहीं ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, दुनिया नहीं कर रहा है। और ऐसा राशन है कि वो चीज़ चावल दे दिया जाए किसी नेता को, जो चावल मिलता है उस नेता का एक कहो जो खा के दिखा दे, तो जितने कुत्ता खाए उतना खिलाना हमको, किसी नेता को खिलाओ वो चावल को, और जो खा ले वो चावल नेता। ये पब्लिक का आक्रोश है, पांचवें चरण चुनाव के करीब करीब एक घंटा बचा है। ये पब्लिक की राय है, जो कहना चाहते हैं उन्होंने खुल के कहा। मैं कैमरामैन दीपक के साथ में रितेश रस्तोगी, पब्लिक लाइव न्यूज़।